नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मई 2022 में रवि योग किस दिन पड़ रहे हैं। रवि योग के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि रवि अर्थात सूर्य जैसे ग्रहों में आत्मा है, ग्रहों में प्रधान है, और जैसे किसी भी ग्रह का प्रभाव हो वह सूर्य की उपासना से नष्ट हो जाता है। सूर्य अत्यधिक प्रबल है, प्रभावशाली है, उसी तरह सभी योगों में रवि योग है, यह दैनिक योग है, वह सबसे अधिक प्रभावशाली है। सभी अशुभ योगों की काट इसे कहा जाता है। तो रवि योग मई 2022 में किस दिन पड़ रहे हैं, उसका समय क्या रहेगा, उनकी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी यही यूजर नेम है। वहां पर भी हम ज्योतिष धर्म विज्ञान की जानकारियां पोस्ट रील के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रवि योगों के बारे में। रवि योग है वह एक दैनिक योग है, बहुत ही शुभ योग इसे माना गया है। अगर कोई आप अपना कार्य करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी जानकारियां हैं, बिजनेस शुरू करना है, कोई बिजनेस की लेन देन करनी है, छोटी मोटी अगर बातों का मुहूर्त देखने जितना पर्याप्त समय आपके पास नहीं है तो इन रवि योगों के सहारे आप अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे राहुकाल इत्यादि होते हैं तो उनका प्रभाव है वह काफ़ी हद तक रवि योग की वजह से कम रहता है। रवि योगों में अगर आप करते हैं कार्य तो आपका कार्य है वह सफल होता है। तो आइए जानते हैं मई 2022 के रवि योगों के बारे में। मई 2022 के रवि योगों की बात करें तो 4 मई 2022 बुधवार, वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि मृगशीर्ष नक्षत्र, रात में 3:18 से 5 मई 2022 गुरुवार, वैशाख शुक्ल चतुर्थी तिथि मृगशीर्ष नक्षत्र, सुबह 6:17 तक यह योग है। यहाँ पर एक आवश्यक सूचना आपको प्रदान करें कि यहाँ पर जो समय बताया गया है वो 24 घंटे वाले फॉर्मेट में स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बताया गया है। 6 मई 2022 शनिवार शुक्रवार, वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि आर्द्रा नक्षत्र, सुबह 9:20 से 7 मई 2022 शनिवार, वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र, रात में दोपहर में 12:18 तक। 9 मई 2022 सोमवार, वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि आश्लेषा नक्षत्र, 17:08 से 10 मई 2022 मंगलवार, वैशाख शुक्ल नवमी तिथि मघा नक्षत्र, और 11 मई 2022 बुधवार, वैशाख शुक्ल दशमी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। दोनों दिन पूरा दिन यह योग रहेगा। और 12 मई 2022 गुरुवार, वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात में 19:30 पे रवि योग समाप्त होगा। 14 मई 2022 शनिवार, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि चित्रा नक्षत्र, 17:28 से 15 मई 2022 रविवार, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि स्वाति नक्षत्र, 15:35 पे यह योग समाप्त होगा। और अंतिम योग है 21 मई 2022 शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि श्रवण नक्षत्र, रात में 1:18 से लेकर पूरा दिन यह योग रहेगा और देर रात में 23:46 पे यह योग समाप्त होगा। तो यह थे मई 2022 के सभी रवि योग। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक आवश्यक सूचना यहाँ प्रदान करें कि रोजमर्रा के जो कोई छोटे मोटे कार्य हो उसके लिए ही आपको रवि योग या फिर सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि इत्यादि योगों का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आपके लिए जो बहुत मायने रखता हो, या फिर कोई भी संस्कार हो जैसे मुंडन हो, विद्यारंभ हो, गर्भाधान हो, तो उनके लिए योग्य मुहूर्त देखने के बाद सटीक मुहूर्त में किया हुआ कार्य है वह सटीक तरीके से संपन्न होता है। तो योग्य मुहूर्त में ही आपको कार्य करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है। अगर मुहूर्तों की सटीक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, वहाँ से आप मुहूर्तों की, मई के मुहूर्तों की सारी जानकारियाँ
प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष धर्म के ज्ञान की वृद्धि के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।